बंगाल की सरकार पिछले 7 मार्च से किसानों से आलू खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, लेकिन अपनी जमीन की आलू बंगाल के किसान भाई लोग सरकार को कैसे बेचेंगे, ये हमारे नॉन बंगाली दर्शकों को नहीं पता। उनके लिए ही ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे कि बंगाल के किसानों से सरकार किस प्रक्रिया में आलू खरीद रहे हैं। साथ ही हम इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे कि आज पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी क्षेत्रों पे नया ज्योति आलू का क्या भाव चल रही है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोटैटो हिंदी की एक नया समाचार पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार की कृषि विपणन मंत्रालय एक नोटिफिकेशन जारी करके कही है कि 7 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक आलू खरीदेगी बंगाल की सरकार। 650 रुपया पर क्विंटल भाव पे 10 लाख मेट्रिक टन अर्थात 50 किलो वजन की 2 करोड़ पैकेट ज्योति आलू खरीदेगी बंगाल की सरकार। आलू खरीदी जाएगी बंगाल की कोल्ड स्टोर ओनर्स के माध्यम से, लेकिन पूरा प्रक्रिया कंट्रोल करेगी बंगाल की कृषि विपणन मंत्रालय। इसलिए बंगाल की सभी हिमखोरों पे कृषि विपणन मंत्रालय की एक ऑफिसर रखी जाएगी। हर जिले की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दौरान इस प्रक्रिया को कंट्रोल की जाएगी। जिन जिन किसान को सरकार के पास आलू बेचने की इच्छा होगी, उन सभी किसानों को अपनी अपनी एरिया की वीडियो ऑफिस में अपना किसान क्रेडिट कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट की पहले पत्र की जेरॉक्स कॉपी जमा करके नाम लिखवानी होगी। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके किसानों के नाम अपनी अपनी क्षेत्रों की हिमखोरों पे भेज देगी ब्लॉक प्रशासन। फिर डेट वाइज उस इलाके की कोई एक हिमखोर पे किसानों को 50 किलो की अच्छी क्वालिटी ज्योति आलू भेज देनी होगी। फिर आलू की क्वालिटी और वजन को चेक करके आलू बेचने की पैसा किसानों को दे देगी कोल्ड स्टोर की मैनेजमेंट। अकाउंट पे चेक या फिर बैंक ट्रांसफर, इन तीनों माध्यम की किसी एक माध्यम पे किसानों के आलू बेचने की रकम दी जाएगी। कोल्ड स्टोर पे मौजूद रहने वाले सरकार की आलू आने वाले 7 जून 2023 से 31 अक्टूबर 2023 के अंदर हर हफ्ते 5% करके बाजार पे बिक्री की जाएगी। सिर्फ इस साल ही नहीं दोस्तों, 2013, 2015, 2019, 2021 इन चारों वर्षों पे भी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार किसानों से आलू खरीदे थे। बंगाल पे आलू की खेती बाड़ी करने में जितनी लागत लगती है, उस हिसाब से 650 रुपया प्रति क्विंटल यानी 325 रुपया पर पैकेट बहुत ही कम है, ये बंगाल की अधिक किसान भाइयों का कहना है। बंगाल के किसानों को 50 पैकेट ज्योति आलू की खेती करने में लागत लग जाती है अप्रोक्सली 18 से 19 हजार रुपया। लेकिन वो आलू किसानों सरकार को बेचेगी तो उन्हें सिर्फ 16,250 रुपया ही मिलेगा। अब आप लोग ही हिसाब कर लीजिए कि किसानों को कितना मुनाफा होगी। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि 2 दिन पहले गुजरात की कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने आलू और प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए 330 करोड़ रुपया की एक पैकेज घोषणा की है। राघव जी का कहना है, गुजरात में इस साल 7 लाख मेट्रिक टन प्याज और पिछले साल की ओर से करीब 2 लाख मेट्रिक टन आलू ज्यादा प्रोडक्शन होने की संभावना है, इसलिए ही ये पैकेज घोषणा उन्होंने की है। 330 करोड़ रुपया किसानों को हिमखोर रेंट पे सब्सिडी, विदेशों में आलू अनलोड के दौरान सब्सिडी की स्वरूप दी जाएगी। बंगाल और गुजरात इन दोनों राज्यों की सरकार को हमारी इंडिया पोटैटो हिंदी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आप लोगों को बताते हैं आज पश्चिम बंगाल की किस किस क्षेत्रों पे नया ज्योति आलू का क्या भाव चल रही है। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा जिले की कोतुलपुर पे नया ज्योति आलू का 50 किलो पैकेट बिक रहे हैं 375 से 390 रुपया के आसपास में। पश्चिम मिदनापुर जिले की आमलागुड़ा पे आज 50 किलो नया ज्योति आलू का भाव है 370 रुपया।
आज पूर्व वर्तमान जिले की बुलबुली तला क्षेत्र पे 50 किलो नया ज्योति आलू का भाव है 350 रुपया। आज हुगली जिले की काबले इलाके पे नया ज्योति आलू का 50 पैकेट का भाव है 390 से 410 रुपया के आसपास। दोस्तों आज का रिपोर्ट यही तक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जय हिंद, जय किसान।